40 बड़े घोटाले हैं। अब उतना तो समय होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं केवल नाम जो है आपको मैं बोल दूंगा कि घोटाला 1948, घोटाला बेचू फंड घोटाला 1956, हरीदा घोटाला 1958 और तेजा लोन सन जो है 1960, प्रताप सिंह कैरो स्कैम 1963, पटनायक कलिंग ट्यूब्स का मामला, फारूकी घोटाला 1974, कुओ ऑयल डील 1976, अंतुले ट्रस्ट का रहा, फिर उसके बाद में आप जो है एजीडब्ल्यू दलाली का मामला 1987, बोफर्स का 1987, सैंड किट्स का 1989, हर्षद मेहता 1992 और इंडियन बैंक 1992, चारा घोटाला 1996, इंडियन बैंक 1992, चारा घोटाला 96 और लखूभाई पाठक का, फिर जो है एक टेलीकॉम स्कैम, फिर यूरिया घोटाला, हवाला घोटाला, झारखंड मोर्चा का मामला और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा वाला 1993 का, फिर चीनी घोटाला, जूता के आयात वाला घोटाला जो आरोप लगा था, चीनी घोटाला और कफन घोटाला है ना, बराक मिसाइल घोटाला, तेल के बदले अनाज का, ताज कॉरिडोर का तेज के बदले, और फिर जो है कोडा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, आदर्श घोटाला, ताबूत घोटाला, बॉम्बे स्टॉक घोटाला, सिक्योरिटी स्कैम, सिक्योरिटी स्कैम 92 का जो हर्षद मेहता का था, फिर आईपीएल घोटाला, फिर सत्यम घोटाला, स्टाम्प घोटाला, हसन अली टैक्स का घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम और विजय माल्या पकड़ और पीएनबी घोटाला, रोटोमैक घोटाला, ऐसे मैंने ये आपको केवल 43 की लिस्ट पढ़ी है जो कि गूगल के ऊपर उपलब्ध है, सभी लोग उसको देख सकते हैं और ये बड़े घोटाले हैं। इसी तरीके से अगर आप जेपीसी का देखें तो जेपीसी का जो मसला रहा कि अब ये 9वीं बार जा रहा है जेपीसी की जो मांग उठी, इसके अंदर जो है 8 बार इसके अलग अलग जो कमिटीज बनी, वो उसके अंदर जो है केवल स्टॉक मार्केट घोटाला, कीटनाशक वाला, 2G स्पेक्ट्रम वाला, वीवीआईपी चॉपर वाला और लैंड एक्विजिशन वाला, एनसीआर, ये जो ये 4-5 मामले रहे। अब इस सब के अंदर आप ये देख लीजिए कि कोर्ट ने क्या किया। अगर कुछ अपवाद अगर छोड़ दें तो अगर ऐसा होता तो जितने बड़े स्कैम्स थे ये तो सब जेल के अंदर होने थे, लेकिन आप ये देखें कि जितने मैंने नाम पढ़े ये बहुत बड़े बड़े स्कैंडल हैं, करोड़ों के स्कैंडल हैं, लेकिन इसके अंदर चर्चा तो चली लेकिन जिस तरीके की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मेरा कहना अब ये इसके अंदर है, हम लोग जो जन आंदोलनों के लोग हैं उनके बीच में ये एक सेट रूल है, हम लोगों का बिल्कुल स्पष्ट है, अगर आप कानून की लड़ाई में आप पहुंच जाएंगे तो आपका हारना तय है और हारने के बाद में आप फिर मतलब उसको लड़ भी नहीं सकते, क्योंकि कहा जाएगा कि अब तो ये न्यायालय की इसमें सील लग गई है, इस तरीके की स्थिति है। तो हम लोगों ने अपनी जो लड़ाई लड़ी आपको मालूम है, इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा कभी जो है कोर्ट के अंदर नहीं गया, हम लोगों ने तय किया था 380 दिन हम लोग लड़े बिना कोर्ट में जाए, अपनी ताकत से हराया। मैं आपको रायगढ़ का बता सकता हूँ, रायगढ़ के अंदर जो है सबसे बड़ा एसईजेड वहां पर था, है ना, और वहां पर पूरा संघर्ष चला और वहां पर भी हमने जन आंदोलन के माध्यम से हराया। आपको ये भी मालूम है कि जैसे मतलब मैं आपको सैकड़ों ऐसे उदाहरण जन आंदोलनों के बता सकते हैं कि बिना कोर्ट के अंदर जाए एक पब्लिक ओपिनियन बना करके सरकार के ऊपर दबाव डाल करके हम लोगों ने नतीजा निकालने का काम किया। मुझे लगता है कि यही सबसे बेहतर था है। अब इसके ऊपर पूरी बहस जरूर है कि क्या जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है, अंतिम तक बात करें तो क्या वो व्यवस्था का अंग होता है, और अगर वो व्यवस्था का अंग होता है तो व्यवस्था को चलाने का काम करता है। हम लोग कोई उसका एक जनरलाइजेशन नहीं करना चाहते, लेकिन अभी तक जो दिखलाई पड़ा है वो यही दिखलाई पड़ा है। मेरा आखिरी इसके अंदर वाक्य ये है कि बेहतर होता कि इस मामले को लेकर के संपूर्ण विपक्ष सड़कों के ऊपर जाते और अगर कोर्ट के अंदर आते तो 0% मुझको उम्मीद है कि वहां पर जाकर के आपको कोई न्याय मिलने वाला है और 2024 तक आप इस मसले को लेकर के आप लड़ते, और जब सुब्रमण्यम स्वामी जैसा व्यक्ति ये कह रहा है कि संपत्ति को राजसात होना चाहिए, वो ये कह रहा है कि जो है अजीत डोभाल जैसा व्यक्ति जो है वो इसके लिए सब जो कुछ चल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको हटाने की मांग कर रहा है, तो हमको समझना चाहिए कि जो सत्ता का जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर भी दरारें पड़ी हुई हैं
और अगर आप इस मुद्दे को जनता के बीच में ले जाएंगे तो फिर वो दरारें स्पष्ट हो जाएंगी और कुछ लोग जरूर निकलेंगे जो जनता के साथ में इस पूरे जो घोटाला है मोदानी महाघोटाला उसके खिलाफ में सड़क के ऊपर विपक्ष के साथ में आएंगे। तो रणनीति यही होनी चाहिए थी। तो जो कुछ हुआ